नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों आज हम भिंडी की सब्जी बनाएंगे। मेरे ख्याल से हर बच्चे को भिंडी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मैंने जितने बच्चे देखे हैं उन्हें अगर मैंने फेवरेट सब्जी पूछी है तो उन्होंने भिंडी ही बताई है। बनाना बहुत आसान है, मैं बहुत ही कम मसालों में सिंपल से घर पर पड़े हुए मसालों से ये सब्जी आपको बनाकर बताऊँगी। बहुत टेस्टी लगती है और आसानी से बन जाती है। मतलब जिसको खाना बनाना नहीं आता है ना वो भी ये सब्जी बना सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को बारीक बारीक कट कर लिया है। हल्दी, गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, राई, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और हरी मिर्ची, लहसुन और करी पत्ते की पेस्ट। यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें राई डालेंगे और इस वक्त हम गैस को बंद कर देंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। इस तरह से आप अगर सब्जी को तड़का लगाएंगे तो आपकी सब्जी जलेगी नहीं। और आप देख सकते हैं कि मैं स्टील की कढ़ाई में सब्जी बना रही हूँ, फिर भी मेरी सब्जी नहीं जलेगी। अब देखिए, राई को पूरी तरह से चटकने देना है। पूरी तरह से चटक चुकी है। इसमें हम जीरा डालेंगे, हरी मिर्ची, लहसुन और करी पत्ते की पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो करी पत्ता स्किप कर सकते हैं। इसे हम बराबर मिक्स कर लेंगे। गैस को अभी भी मैंने बंद ही रखा है, इसलिए मेरे जो ये मसाला है ये जला नहीं है। और ये सब्जी बनाने की कुछ खास टिप्स है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो को देखते रहिए। इसमें हम मसाले डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया जीरा पाउडर। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और लो रखेंगे। और अब हम इसमें ये बारीक कटी हुई भिंडी डालेंगे। इसे हम बराबर मिक्स कर लेंगे। एक बात का खास ध्यान रखना है हमें, भिंडी की सब्जी जो होती है चिपचिपी बन जाती है कुछ लोगों से, क्योंकि भिंडी नेचुरली चिपचिपी होती है, लेकिन वो चिपचिपी बिल्कुल भी ना बने इसके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले टिप ये है कि भिंडी को अच्छे से धोने के बाद सूखे कपड़े में फैला दें और एक एक भिंडी को कपड़े से पोंछ कर फिर कट करें। उसे पूरी तरह से सुखाने के बाद ही कट करना है, नहीं तो सब्जी चिपचिपी हो जाती है। अगर आप तो बिना सुखाए ही भिंडी को काट कर सब्जी बना देंगे तो बिल्कुल चिपचिपी बन जाएगी, खाने में ज़रा भी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी टिप ये है कि भिंडी की सब्जी जब हम बनाते हैं तो भिंडी पूरी तरह से जब पक जाए तब उसमें नमक डालना है। नमक पहले से नहीं डालना है। नमक में जो होता है नमी होती है और वो नमी जो होती है वो भिंडी की चिपचिपाहट को बढ़ा देती है। और भिंडी जब पूरी तरह से पक जाती है तो उसकी चिपचिपाहट निकल जाती है, तब उसमें नमक डालना है। भिंडी को हम अच्छे से पकाएंगे। और तीसरी टिप यह है कि भिंडी को कभी भी ढककर नहीं पकाना। ढककर पकाएंगे तो ढक्कन में जो नमी आएगी पानी की गर्मी की वो उसमें गिरेगी और फिर भिंडी की सब्जी चिपचिपी होगी। तो इन सारी टिप्स का ध्यान रखें। अब हम भिंडी को धीमी आंच पर पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। मैंने ऑयल बिल्कुल भी कम डाला है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है ये, कहीं भी ऑयल नहीं है देखिए। लेकिन जब ये पकेगा तो बहुत सारा ऑयल छोड़ देगी सब्जी और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लगेगी।
हम इसे धीमी आंच पर पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, इसे एक बार हम मिक्स करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा मिक्स करेंगे तो भी इसमें चिपचिपाहट आएगी। तो सिर्फ एक बार मिक्स करेंगे और इसे पकने देंगे पूरी तरह से। और 15 मिनट हो चुके हैं, एक बार फिर सब्जी को चला लेंगे। काफ़ी गल चुकी है, अब इसे पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देखिए ये सब्जी जो है तेल छोड़ने लगी। देखिए जब मैंने तड़का लगाया था तो बिल्कुल भी तेल दिख नहीं रहा था, अब ये तेल छोड़ने लगी है और थोड़ी थोड़ी पकने लगी है। अभी इसे और पकाना पड़ेगा। भिंडी की सब्जी को पकने में देर लगती है, लेकिन जो धीमी आंच पर पकती है वो पूरी तरह से पकती है। इसे हम और थोड़ा पका लेंगे। देखिए सब्जी जो है पूरी तरह से पक चुकी है और तेल भी छोड़ने लगी है, और बहुत ज़्यादा तेल छोड़ दिया ऐसा भी नहीं है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। ये टिप खास याद रखिए कि पकने के बाद ही उसमें नमक डालना है, उससे पहले नहीं डालना है, नहीं तो सब्जी चिपचिपी हो जाएगी। स्वादानुसार हम इसमें नमक डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट इसे पकाएंगे क्योंकि नमक जो है थोड़ा सा पक जाए। इसे दो मिनट हम पका लेंगे। ये सब्जी जो है अच्छे से पक चुकी है, गैस को बंद कर देंगे। इसे आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, और जो किडनी पेशेंट है वो मिलेट्स की रोटी के साथ इसे खा सकते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। टेस्टी हेल्दी चटपटी भिंडी की सब्जी बनके तैयार है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बनाने में सिंपल है और पकने में टाइम लगता है उतना ही, बाकी सिंपल तरीके से बन जाती है। जिसे सब्जी आप बनानी, खाना बनाना नहीं आता है वो भी ये सब्जी बना लेगा। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।